लो, बिफोर कंडीशन देख लो, पूरी सड़ी गली गाड़ी है, टूटी पड़ी है, टेंट वेंट पड़े हुए, पेट्रोल टैंक भी टूटा हुआ है इसका। तो गाइस पूरे 12 दिन की मेहनत के बाद आज हम लोग आपके सामने फाइनली पेश करते हैं हमारी स्कॉर्पियो S2 जो पहले कभी चामुंडा भाई ये कहाँ लिया है? ये वर्कशॉप का 2.0 वर्जन है हमारी, बोर्ड बाहर लग गए हैं और ये पता नहीं कवर अप वगैरह करा गया चामुंडा ने, वर्कशॉप अपडेट कर दी, वर्कशॉप का सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है। अभी S10 में काम चल रहा है, ये देख सकते हो अभी S10 है हमारी। अभी ये पूरी गाड़ी रीपेंट हो गया है। अच्छा पूरी रीपेंट हुई है? पूरी गाड़ी रीपेंट। क्या बात है भाई, रबिंग वगैरह सब हो चुकी है, पेंट क्वालिटी आप लोग एक कोट और होगा, ठीक है तो और ज्यादा शाइन आ जाएगी इसके अंदर, क्वालिटी वर्क अच्छा हो जाएगा। तो आज हमारे पास कन्वर्जन की 3 गाड़ियां हैं टोटल, बाकी जो अपनी गाड़ी मेन गाड़ी है मैं दिखाता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो ये हमारी क्लासिक खड़ी है जो कि मतलब एक तरफा गाड़ी है भाई, और आपको मेन गाड़ी दिखाते हैं, ये है मध्य प्रदेश MP 3004 है, मतलब MP वाले भाई बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। 4 नहीं 3005 है वो। अच्छा 5 है? हाँ 7005 है। अच्छा 7 हिंदी वाली काउंटिंग आती नहीं ना मेरे को। इधर आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी S2 ठीक है, नई ब्रांड न्यू डिग्गी इंस्टॉल करते हैं, ये नहीं कि मायापुरी से लाके आपको पुरानी डिग्गी जुगाड़ करके रिपेयर करके दे दी। इसमें अगर गाड़ी आपको नीचे हाइट दिख रहा होगा तो 15 इंच एलॉय की वजह से दिख रहा है, इसमें 17 होगा। अच्छा इसमें 17 या 18 डलेंगे, जो भी डलेंगे आपको वीडियो में अपडेट मिल जाएगा। बाकी गाड़ी की ना एक बार आप लोग बिफोर कंडीशन देख लो, पूरी सड़ी गली गाड़ी है, टूटी पड़ी है, डेंट वेंट पड़े हुए, पेट्रोल टैंक भी टूटा हुआ है इसका। अच्छा तो इसको हम क्लासिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या बात है। तो इसके अंदर वही तो गाड़ी आया है, MP से आया है, जो पहले हमने गाड़ी तैयार करके भेजे थे ना वहीं से। पहले MP से कौन सी? पहले हमने बना के नहीं करे थे जो 4+ का? हाँ हाँ जो पूरी अंदर, हाँ हाँ समझ गया, याद आ गया, व्हाइट वाली जो थी सेम भाई उन्हीं के वहीं से गाड़ी आई, वो वीडियो देखकर हमारी। तो इधर आप लोग देख सकते हो इस गाड़ी के अंदर भी एक अलग लेवल का काम होने वाला है। इंटीरियर वाइज देखा जाए तो क्या काम होगा इसमें? सेम होगा इंटीरियर भी, पूरा सेम, बिल्कुल सेम उसी तरीके की गाड़ी तैयार हो रही है। क्या बात है, बस डोर लाइटिंग नहीं होना, बस बाकी सेम। ठीक है तो ये देख सकते हो ये डोर पैनल, कुछ नहीं आता अंदर से भी आप लोग देख लो, पूरी भाई बहुत बुरी हालत है इस गाड़ी की, पूरी सीटें वीटे और ये सब कुछ टोटल, मतलब एक पूरा इस गाड़ी को ना नया जन्म दिया जाएगा, टोटल खत्म है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सब कुछ बनाया जाएगा, जान डाल के भेजेंगे। देख लो भाई छत पर सब बुरा हाल है। तो ये पूरी गाड़ी रीपेंट होगी, सब कुछ काम टोटल नेक्स्ट लेवल काम इसके अंदर बनेगा। अच्छा 10-15 दिन में गाड़ी जाएगी? हाँ भाई क्योंकि धीरे धीरे बारीकी से काम करा जाएगा, एक तरीके से पूरा रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है। क्या बात है, अब चामुंडा भाई मतलब पुणे वाला काम दिल्ली में कर रहे हैं, वो एक भाई ले जो पुणे में वीडियो बनाते हैं, उन्हीं की तरीके वाला काम है, भाई भाई एक अलग लेवल है। उनका अलग लेवल है, पर हाँ हम भी इस गाड़ी को लगभग उसी तरीके से तैयार कर देंगे। तो हम भी उसी तरीके से गाड़ी को कॉन्सेप्ट पे तैयार, हमारा कन्वर्जन प्लस रिस्टोरेशन दोनों है। पर भाई वो MP वाली गाड़ी भी पूरी सड़ी हुई थी, पूरी जंग खा रखी थी, पर उसको पूरा रिस्टोर करके नया कर दिया था हमने, तो ये भी फिर बिल्कुल वैसी कंडीशन में। तो अब दिखाएंगे जब इसके अंदर पार्ट्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे, पेंट होकर वापस आएगी, कंप्लीट होने में लगेगा अभी 10-12 दिन होगा। ठीक है तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जब गाड़ी पेंट होकर आएगी, तो एक बार ध्यान से देख लो अभी की कंडीशन, बाकी मिलेंगे पेंट होने के बाद आप लोगों को। तो भाई आप देख सकते हो ये हमारी डिक्की है जो हमारी गाड़ी की पहले थी S2 है। डिक्की किसकी है तो पता चले किसकी है? डिक्की है किसकी? स्कॉर्पियो की है, जो मैंने पुरानी गाड़ी हमारे पास आया था उसकी है। ठीक है और अब आपको दिखाते हैं हमारी ब्रांड न्यू क्लासिक S11 जो कि कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो भाई पेंट की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, जो भी गाड़ी आई थी फटी फूटी गंदी कंडीशन में, और यहाँ देख लो पेंट रबिंग क्वालिटी, पेंट के ऊपर पूरी पेंट क्वालिटी, मेन होता पेंट क्वालिटी भाई, कोई देख के नहीं कह सकता गाड़ी रीपेंट हुई। और जो हमारे पास इन हाउस पेंट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये कह सकते हो बिल्कुल कंपनी से बेटर चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं नहीं इतना भी नहीं भाई, चलो वो अब चामुंडा भाई ने मना कर दिया तो नहीं है, नहीं फेंक नहीं रहा, बट भाई आप पेंट की क्वालिटी खुद देख सकते हो भाई, एक्स्ट्रा हाई ग्लॉस में पर्ल वाइट पेंट हमने गाड़ी के ऊपर करा है और गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, नो डाउट। बाकी काम इसके अंदर चल रहा है अभी, कितने दिन और लगेंगे चामुंडा भाई इसमें? अभी 2 दिन
दो दिन और लगेंगे क्योंकि देखो पेंट होके आई है, सामान लगना स्टार्ट हो गया है, बम्पर इंस्टॉल हो चुका है हमारा क्लासिक S11 वाला। बस इसके अंदर ग्रिल लग गई, ग्रिल लग गई, देखो DRL लग गई, फॉग लाइट लग गई, हेडलाइट भी चेंज होगी इसके अंदर, ग्रिल लगेगी, हेडलाइट ही रहेगी। ठीक है, एलॉय डालेंगे S11 वाले, क्लासिक S11 वाले अलॉय डालेंगे इसके अंदर, साइड मिरर देख सकते हो आप, अलॉय टायर भी आ चुका है, मैं दिखाता हूं, सीट पर भी लग रहा है अंदर। तो एक बार आपको अंदर देखो, देखो पूरी गाड़ी अंदर से, एक बार बिफोर अंदर का देख लो भाई, अब मेन अंदर से देखोगे ना बाद में तो आप लोग बोलोगे कि हाँ कुछ एक क्वालिटी वर्क हुआ है। सीट कवर का काम अभी अंडर प्रोग्रेस है, डोर पैनल इसके अंदर इंस्टॉल होंगे, जैसे कि ये S2 है हमारी गाड़ी, पार्ट लग चुका है, S2 है तो S2 वाला किट ही डल रहा है इसके अंदर, जो कलर होगा पूरी S वाला ही डलेगा। ठीक है, हाँ तो वही वाला हमारा जो लाइट पता नहीं ग्रे सा कलर आता है। ठीक है, तो दिखाते हैं स्कैलर वगैरह। तो भाई हमारी S2 आज इसका चौथा पांचवा दिन हमारे पास है, बारह दिन होने वाले मेरे लिए, तो चौथा पांचवा वीडियो के हिसाब से। तो ठीक है, आप लोग ठीक है, गाड़ी फाइनल होने पे देखो, आपसे पूछ रहे थे हम इन्फिनिटी वाला डिजाइन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, धूल मिट्टी में खड़े खड़े सब कुछ गंदा हो गया, ये अलॉय व्हील हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा इन्फिनिटी वाला डिजाइन, वीडियो बनाएगा कैसे तरीके तैयार हुई। अभी मैं आपको अंदर से कुछ भी नहीं दिखा रहा भाई, जब ये फाइनल बिल्कुल रेडी तैयार होगी ना वे गाड़ी, तब तक के लिए आप लोग, तो अगले कुछ ही पलों में आप देखने वाले हो गाड़ी का फाइनल अवतार। तो गाइस पूरे 12 दिन की मेहनत के बाद आज हम लोग आपके सामने फाइनली पेश करते हैं हमारी स्कॉर्पियो S2, जो पहले कभी S2 हुआ करती थी, तो बचपन से S2 पैदा हुई थी, पर चमुंडा भाई ने इसका नया जन्म दिया, इसका नाम रखा गया स्कॉर्पियो क्लासिक S11। तो यहाँ आप लोग गाड़ी का लुक देख सकते हो भाई, बिल्कुल दबंगगिरी वाला लुक आ रहा है इस गाड़ी का, मतलब व्हाइट कलर में पहली बार कोई गाड़ी मेरे को इतनी पसंद आई है भाई, बहुत एक ना अलग ही वाइब आ रही है इस गाड़ी को देखकर इस टाइम पर। पहली बार पसंद नहीं आया, पहला भी अच्छे अच्छे हमने तैयार किया, बट S2 हाँ S2 फर्स्ट टाइम इन इंडिया, जो गाड़ी पुरानी S2 है उसको हमने क्लासिक S11 में कन्वर्ट करा, जो कि M2DI इंजन के अंदर आती है गाड़ी हमारी। यहाँ से अंदर भी आप देख सकते हो, अंदर भी आप लोग सब कुछ साइड में भी देख सकते हो, कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ा गया इसके अंदर भाई। पर आज इस गाड़ी को देख के एक अलग ही खुशी सी मिल रही है, बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी, जो मैंने बताया था इसके अंदर अलॉय व्हील डालेगा S11 डालो या इन्फिनिटी डालो, तो इन्फिनिटी इसके अंदर हमने इन्फिनिटी के अलॉय व्हील डाले। चलो फ्रंट से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, सबसे पहले आप लोग देखोगे हमारी क्लासिक S11 वाली ग्रिल यहाँ पे, हेडलाइट छोड़कर पूरी पूरी कन्वर्ट क्लासिक, हेडलाइट क्यों नहीं डाली, बजट भी थोड़ा देखा जाता था। ठीक है चलो, हर किसी कस्टमर का अपना बजट होता है, हर किसी कस्टमर के बजट नहीं होता, बट फिर भी इसके मोटा मोटे लेकर जाए तो 350 ऊपर लग गया, 3.5 लाख रुपए भाई। हमारे ना वीडियो में बहुत कमेंट आते हैं कि आप लोग बजट नहीं बताते, आप लोग वीडियो डाल देते हो, पूरी गाड़ी रीपेंट, सबसे बड़ी बात रीपेंट के साथ नया किचन बम्पर के साथ पूरी काम होगा, ऐसे नहीं कि आपको धक्का मार के काम करके देंगे, काम ऐसा मिलेगा कि जो आप लोग चार जगह तारीफ सुन के आओगे। आप लोग सबसे पहले पेंट की क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो, पेंट की शाइन आप लोग देख लो भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई महिंद्रा भी ऐसे पेंट नहीं करता, बट एक कुछ अलग लेवल का पेंट इस गाड़ी के ऊपर हुआ है, तो ये गाड़ी भी ऐसी लग रही है बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी शोरूम से लेकर आया, तो चमुंडा भाई इस टाइम पे प्रोटोमोटिव वाला काम कर रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले कस्टमर आया था, उसको नया मॉडल समझ लिया था, हमने बताया कि ओल्ड मॉडल है भाई, यही बात होती है गाड़ी आप लोग के सामने भाई, आप लोगों को जज करने वाले, आप लोगों के लिए तैयार होती है सारी गाड़ियाँ, आप लोग आओ काम कराओ, बढ़िया काम मिलेगा आपको देखने को, काम जो भी होगा पूरी मेहनत से होगा, मैं चमुंडा भाई इंजीनियर है। बाकी आप लोग ने हमारी S5 वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आई बटन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो एक अलग ही लेवल की चीज थी, S5 में हमने क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर दिया था, बिल्कुल क्लाइमेट कंट्रोल ऑन हो गया, अब आने वाला टाइम में कुछ और भी ऑन कर सकते हैं। चलो साइड प्रोफाइल में हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप लोग अलॉय व्हील का डिजाइन देख सकते हो, पहले मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे, पर अब पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, पहले अच्छे इसलिए नहीं लग रहा है गाड़ी तैयार नहीं हुआ, गाड़ी तैयार नहीं, बोला ना जब गाड़ी तैयार हो जाएगा उसके बाद देखना इसकी गेटअप कैसा आएगा। ये इस गाड़ी का एक अलग ही लुक तैयार हो गया इस टाइम पे, साइड प्रोफाइल में आप लोग अलॉय देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे S11 वाला हमारा फुटरेस्ट, साइड में फुटरेस्ट S11 वाला देखोगे, ये जो हमारे ग्लाइडिंग है ओल्ड मॉडल का, स्लाइडिंग भी नहीं डालनी चाहिए थी हमें, मैं कह रहा हूँ ना बजट भी देखना था, बजट देखो गाड़ी पे जो इतना कर दिया ही बहुत है, सही बात है, फ्रेल नया डाला इसमें, स्पॉइलर तक नया डाला, कुछ भी नहीं था इस गाड़ी में, कुछ भी नहीं था, टोटली काम एक तरीके से नया हुआ है, बस इसमें पुराना दिखेगा आपको तो बस एक हूटर हमारा हूटर साइड मिरर, और भाई ये भी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, पर भाई ये नेताजी की गाड़ी है तो उनको सब अलाउड है, ओआरवीएम पुरानी गाड़ी में ओआरवीएम तक हमने डाले हैं, पीछे वाइपर एक्टिवेट करके दिए हैं, डोर पैनल का काम हुआ इसके अंदर, तो एक तरीके से आप लोग इस गाड़ी को मान सकते हो ये हमारी क्लासिक S है, तो वो सब हम लास्ट में दिखाएंगे, पहले एक बार साइड और बैक प्रोफाइल आप लोग को दिखा देते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की पूरी की पूरी, तो साइड प्रोफाइल आप लोग इस गाड़ी की देख सकते हो, एक अलग ही लुक आ रहा है, साइड प्रोफाइल में हमारा, साइड में फुटरेस्ट ले लो, डोर वाइजर ले लो, ओआरवीएम ले लो, कुछ भी ले लो,
गाड़ी बिल्कुल अलग लेवल से तैयार हुई है, तैयार हुई है। बाकी एक और हमारे पीछे खड़ी है S5, ये इसकी भी वीडियो आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस टाइम पे चमुंडा भाई कन्वर्जन पे वर्क कर रहे हैं, गाड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये देख सकते हो ये डिग्गी वडी में पुरानी। एक बार दिखा देते हैं आपको, इसकी वीडियो आपको अलग देखने को मिलेगी। 2 तो ये गाड़ी भाई आप इस एंगल से एक बार देख लो, इस गाड़ी को कहीं से भी ना ये गाड़ी आपको दूर से दूर तक लग नहीं रही होगी कि ये स्कॉर्पियो S2 थी। ये देख सकते हो आप तो पहचान गए, स्कॉर्पियो क्लासिक सब कुछ बिल्कुल सारे लोगों से इसके चेंज हुए हैं। ठीक है, वाइपर एक्टिवेट हम लोग ने इसके अंदर कर दिया है। दिखाते हैं आपको वाइपर वर्किंग, ये देखो वाइपर विद ऑटो कट एंड स्प्रे फंक्शन के साथ काम करेगा। स्प्रे करो भाई, पानी नहीं है मेरे हिसाब से इसके अंदर। तो ये लोग आप लोग बैक लुक इसका देख सकते हो, इसके अंदर आपको मैट्रिक्स फीचर मिल जाता है ब्रेक लाइट के अंदर, और ये जो हमारी पिलर लाइट्स है भाई ये गाड़ी का लुक पूरा चेंज कर देती है, एक अलग गाड़ी का पूरा वाइब बदल जाती है यार। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ब्रेक लाइट S11 वाली हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी है, जो कि आपकी नई वाली क्लासिक के अंदर भी नहीं आ रही। चाहे क्लासिक का आप S वेरिएंट ले लो चाहे S11 ले लो, दोनों गाड़ी के अंदर ये ब्रेक लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आप लोग ने गाड़ी का पूरा बैक प्रोफाइल देख ली। अब मेन लेके चलेंगे आपको गाड़ी के अंदर, ये आवाज कैसी आ रही है? पुराना चैनल तो पुराने का लगा है। अच्छा, चैनल भी अपडेट होगा, ऑयलिंग होने के बाद ठीक हो जाएगा, ग्रीसिंग वगैरह होती है, तो ये डंडी आवाज कर रही है हमारी। इधर आप लोग देख सकते हो इसके अंदर 70 मैटिंग के साथ इंस्टॉल करा गया सब कुछ। ये सीट कवर आप लोग देख लो, ये अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है, और गाड़ी एक अलग ही लग रही है, लग्जरी बिल्कुल लग रही है, लग्जरी क्लास बना दिया स्कॉर्पियो को पूरा। बाकी मैं अंदर दिखाता हूं, अंदर चलते हैं, अंदर आप लोग को दिखाएंगे हम। सबसे पहले चीज आप लोग देखने वाले डोर पैनल, जो कि हमने इसके अंदर स्कॉर्पियो S5 वाले लगाए हैं। S5 S11 सबके अंदर ये वाला कलर आता था, ये आपको ये कलर नहीं स्कॉर्पियो में देखने को मिला। नई वाली कलर नहीं लगाया क्योंकि भाई क्लासिक के डाल दिया, हां पुराने वाले के कलर इससे मैचिंग करके, इससे मैचिंग करके नहीं तो पूरा डैशबोर्ड और पूरा इंटीरियर चेंज करना आएगा। तो जे ऑटो पे सिर्फ आपको ओल्ड मॉडल की डोर मिलेगा, हां न्यू मॉडल आते तो न्यू मॉडल की मिलेगा, न्यू मॉडल का डोर मिलेगा आपको, कोई भी डोर किसी भी मॉडल में लगा दी। सही बात है भाई। तो हमारे पास डोर पैनल जो है क्लासिक में आपको इस कलर के मिलेंगे, और जो हमारी S5 है S2 है S3 है उन सबके लिए आपको ये वाले डोर पैनल मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इधर आप लोग देख सकते हो बाकी सारी चीजें, डैशबोर्ड में रैपिंग किया गया देख सकते हो, डैशबोर्ड को लेदर रैप करा गया, ये देख सकते हो भाई बहुत बढ़िया तरीके से। एसी में क्रोम का काम हुआ, इसमें एसी क्रोम हो गया हमारा, ये वुडनिंग पैनल के साथ स्क्रीन लगा है, क्लासिक वाला हमारा वुडन पैनल, हाँ एश वुड वाला पुलिस लाइट का। तो भाई ये चीजें हम रिकमेंड नहीं करते, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है, लगवाओ तो लगवाओ। ये देख सकते हो अभी पूरा पैनल हमने इसका S11 वाला हमने इसके अंदर इंस्टॉल करा है। ये स्टीयरिंग देखो ना भाई, स्टीयरिंग के तो अलग ही लेवल निकल गया आज, क्या बात है यार। ये देख सकते हो हाइड्रो डिपिंग के साथ, जैसे हाइड्रो डिपिंग के साथ BMW में आता है ना सेम उस टाइप का, लो या फिर फॉर्च्यूनर वगैरह नई गाड़ी में देखते हो ना, यहां पे वुडन फिनिश के साथ है लेदर, क्या बात है भाई। ये चीज भाई आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को कैसी लगी, आपको स्कॉर्पियो फर्स्ट टाइम दिखेगा, स्कॉर्पियो में, हां स्कॉर्पियो में फर्स्ट टाइम मिलेगी, फर्स्ट टाइम मिलेगा, बहुत ही बढ़िया चीज है भाई ये पूरा स्टीयरिंग का लुक। जो ये वाली मॉडल आता है इसमें एयर बैग नहीं आता, इसमें एयर बैग वाली पूरी हब डाला गया है, रिमोट डालने के लिए पूरी स्टीयरिंग चेंज होता है, अंदर पैड डलता है तब जाके स्टीयरिंग बटन चालू होता है। इस मॉडल में स्टीयरिंग बटन लगने, तो एयर बैग वर्किंग नहीं है इसके अंदर, वर्किंग नहीं है, बट पूरी की पूरी स्टीयरिंग की कंप्लीट किट नया मॉडल वाला डाला गया तब जाकर के चालू हुआ स्टीयरिंग। पर एक चीज से कमी रह गई भाई, हमारा न्यू महिंद्रा लोगो, ये देखो आप यहाँ से भी देखो स्टीयरिंग वर्किंग है, ये आपका S2 में कोई लगने का साधन ही नहीं है, इसके लिए काफी मेहनत करी जाती है, फिर भी हमने लगाया है। सही बात है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो S11 वाला मीटर हमारा, तो ये फुल डोर रैप किया गया, सीट कवर वाली डिजाइनिंग का एंबिएंस लाइट के साथ काम हुआ, इसमें काम एक अलग ही लेवल से हुआ इस गाड़ी के अंदर। मैं आपको सीट कवर एक बार फोकस करके प्यार से दिखाऊं, देखो भाई सीट कवर अल्ट्रा कम्फर्ट वाले हमने इसके अंदर इंस्टॉल करे हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई, लुक में एक अलग मजा आ रहा है इसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी तैयार हुई है। सिस्टम का काम इसके अंदर हुआ है, डैम्पिंग कुछ हुआ है इसके अंदर, पूरी गाड़ी रीपेंट हुआ है, तो आगे ABS गार्ड भी हमने लगाया था, ABS गार्ड लगाया, देख लिया होगा लोगों ने, समझदार है हमारी पब्लिक, तो
बारीकी में बहुत काम किया गया, बारीकी में काम करा गया गाड़ी, पुरानी गाड़ी था, इसके पावर विंडो वगैरह नहीं चल रहा था, पावर विंडो वर्किंग की है इसमें, मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट था पुरानी गाड़ियों का, पावर विंडो वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं चल रहा था, कैंची नया डल रहा है, वायरिंग नया डल रहा है, बहुत चीज ऐसा काम हुआ है, पीछे भी पावर विंडो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, बहुत मेहनत हो इस गाड़ी को तैयार करने में, हमारे को काफी मेहनत करना पड़ा, मेहनत के साथ दिन भी काफी लगा है। एक तरीके से देखा जाता है गाड़ी जो था ना खदान में चलता था लोडिंग में हाँ, तो पूरी एक खत्म था एक तरीके से, तो इस गाड़ी को दोबारा से नया जन्म दिया, दोबारा रीस्टोर किया गया, डॉक्टर ने इसको करंट मार मार के दोबारा से ठीक है भाई। तो गाड़ी आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी थी, हमारा टीम वर्क काफी मेहनत हुआ बिल्कुल भाई, हमारी जे ऑटो की टीम सारी देखो ये खड़ी हुई है बाहर, सारे भाई इन्हीं भाइयों की मेहनत है और आप लोग के सामने, तो हमारी जो टीम वर्क बहुत मेहनत किया इस पे जाकर के, काफी एक चीज बारीकी से काम हुआ है, तसल्ली से हुआ है। ये गाड़ी की डिलीवरी हमें देना था 23 तारीख को, बट 5 दिन लेट होने के रीजन था कि इस पुरानी गाड़ी की वजह से कभी कुछ पूरा जीरो जीरो गाड़ी को ठीक करना था। हाँ। जो आप लोग सोचोगे 3 लाख रुपए कहाँ लग गए, तो इस गाड़ी को हर चीज इसके अंदर नई डाली गई जो काम नहीं कर रही थी, चीज इसमें दिक्कत आ रही कभी स्टार्ट नहीं हो रहा, बैटरी भी डाला गया, बैटरी नहीं डाली है इसके अंदर, बैटरी की दिक्कत आ रहा है, कभी पावर विंडो की दिक्कत आ रहा है, कभी स्टीयरिंग ऑयल की दिक्कत है, स्टीयरिंग पंप की दिक्कत, कभी स्टीयरिंग नहीं कट रहा, तो एक तरीके से इसको नया जन्म दिया गया, नया जन्म दिया गया इस गाड़ी को पूरा बढ़िया तरीके से, मतलब मैकेनिकली और मॉडिफिकेशन में भी। हाँ। और आपका हर चीज के अंदर इस गाड़ी का आपको सिर्फ एक्सेसरीज का काम दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, तो बाकी भी इसमें बहुत साइड के फुटरेस लगाने के लिए काफी जिद करना पड़ा, आने वाले टाइम में नाम रखना पड़ेगा जे ऑटो वर्कशॉप। हाँ, तो वर्कशॉप ही नाम डलेगा आने वाला जे ऑटो वर्कशॉप हमारी, तो आप लोग यहाँ पे विजिट करके अपनी गाड़ी को तैयार करवा सकते हो बढ़िया तरीके से। ये पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली, ओल्ड से न्यू में मोटर करवाना हो जो भी हो, आने वाला टाइम में आपको रीस्टोरिंग कार एक तरीके से रीस्टोर कार यहाँ पे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये रीस्टोरेशन वाला काम होगा। हाँ। पुरानी गाड़ियों को। तो भाई आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, बाकी एक बार बात कर लेते हमारे भाई से जिनकी गाड़ी थी। हाँ, वो बताएंगे एक्चुअल की ये चीज क्या थी, मैं क्या लेकर आया था और क्या घर लेकर जा रहा हूँ, तो उनसे बात करते हैं। गाड़ी हो चुकी है फाइनल, अब मेन जो हमारे ओनर है उनसे जान लेते हैं कि उनको कैसा लगा हमारा काम। तो भाई क्या नाम है आपका? पंकज। भाई आपका? जीतेंद्र। कहाँ से आए थे आप लोग? ग्वालियर एमपी से। तो मैंने एक चीज देखी भाई, एमपी वाले भाइयों को मतलब गाड़ियों से इतना प्यार है ना, एमपी वाले भाई जो पैसा लगाते हैं गाड़ी पे अंत लेवल का। जी बिल्कुल भाई, तो आप लोग क्या लेकर आए थे गाड़ी, किस कंडीशन में लेकर आए थे एक बार बताओ? बहुत कचरा था, बहुत बेकार की गाड़ी, कचरा भैया की वीडियो देखी थी। हाँ। उसमें एक MP15 बनाई थी। हाँ। बहुत अच्छी गाड़ी, प्यारी बनाई थी, बहुत सागर गाड़ी। अच्छा अच्छा, सागर गाड़ी, इसलिए मैं वीडियो देख के भैया के जरिए आया था, बात हुई थी। हाँ, गाड़ी बनाई है। मजा आ गया बिल्कुल, मतलब एक तरीके से नई गाड़ी की डिलीवरी लेके घर जा रहे हो आज, घर वाले भी बोलेंगे भाई ये क्या कर दिया। हाँ। तो आज तो कर क्या तो कर दिया, गाड़ी की पूरी नक्शा बदल दिया पूरा का पूरा। बहुत अच्छा लगा देख के गाड़ी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो भाई लोगों की ना खुशी आप लोग को अलग ही दिख रही होगी इस टाइम पर, मतलब जल्दी से घर जाने की जल्दी हो रही होगी, घर वालों को दिखाएं भाई क्या तो करवा के हम दिल्ली से। बस अभी जो घर पे जाएंगे ना, तो एक जो दुकानदार खत्म हो जाएगा, इतने पैसे लगाए नहीं, वो देखो पैसा शौक पे खर्च कर आता है। अब वहाँ पे जाते जब 10 बंदे देखेगा ना, बोलेगा भाई लेके गया था गाड़ी कहाँ है, कहेंगे भाई लेके पुरानी गए थे, नहीं लेकर आ रहे हो तुम लोग कैसे लेवल, वो तो यहाँ पे भाई का पैसा वसूल हो गया, जहाँ आपको तारीफ मिलेगी वहाँ आपकी गाड़ी का पैसा पूरा वसूल। तो भाई बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, मजा आ गया बिल्कुल, क्या बात है भाई, अब भाई लोग की तारीफ गांव में सुनने को मिलेगी बढ़िया तरीके से। बाकी आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार भाई बता दो 10 में से रेटिंग कितनी दोगे, 10 में से कितने नंबर दोगे? पूरे दोगे? पूरे देंगे। क्या बात है यार, भाई लोग खुश है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब करो, वेट करो S5 की वीडियो मिलेगी।